तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका अपना राज भाई और आज आपके सामने लाया हूं फिर से एक बार मिनी निंजा एक्सट्रीम 125R और इसके अंदर मॉडिफिकेशन काफ़ी नीडफुल है जो कि दिखाऊंगा आपको फ्रंट से। सबसे पहले देखने मिलेगा इसके अंदर वाइजर जो कि लगा दिया गया, इसके अंदर देख सकते हैं आप, इससे लुक भी इनहेंस हो जाती है और ऐसा लगता भी नहीं कि अलग बाइक है किसी का, वैसे किसी और बाइक का है, बट इसके अंदर लगने का प्रॉपर फिटमेंट है, इसकी कोई जुगाड़ लगता नहीं है देखने में और देख सकते हैं लुक काफ़ी इनहेंस हो जाती है इसे लगाने के बाद। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर देख सकते हैं ये इसके लीवर गार्ड जो कि लगा दिए गए हैं, इससे आपके लीवर और हैंड ये होते हैं दोनों पूरी तरीके से प्रोटेक्ट, फुली प्रोटेक्शन वाली चीज़ें लगा दी गई इससे, आप देख सकते हैं। साथ में इधर भी इससे मिलेगा आपको, इस तरफ भी दोनों तरफ मिलेगा, इसमें लगा दिए हैंड ग्रिप भी जो कि मिलते हैं आपको फोम वाले, कोई काफ़ी सॉफ्ट है जिनको सॉफ्ट चाहिए उनके लिए ये वाले ग्रिप भी हमारे पास अवेलेबल हैं। साथ में आपको मिलता है सिमटेक ओरिजिनल मोबाइल होल्डर, ये देख सकते सिमटेक ओरिजिनल मोबाइल होल्डर है, इसमें आप मोबाइल होल्ड करके ना कहीं पर भी आप इजीली राइड पे जा सकते हैं, चाहे छोटी राइड हो चाहे बड़ी राइड हो, जीपीएस ऑन करके निकल जाए कि अपनी किसी भी राइड पर। और आपको उसके बाद दिखाता हूँ इसके अंदर क्रैश गार्ड जो कुछ देखने मिलेगा कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं इसमें होते हैं आपके दो स्लाइडर इधर और दो स्लाइडर मिलते हैं आपको इस तरफ, ये देख सकते हैं। और ये प्रॉपर फिटमेंट वाला स्लिम ट्रिम आपको देखने मिलेगा, क्रैश गार्ड फिटमेंट देख लो, एक आपकी ये रही, एक आपकी वो रही उस तरफ और एक आपको मिलते हैं फ्रंट से, और बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी देख सकते हैं, इतना हैवी है कि इसे अगर लगने के बाद ना बाइक आपकी गिर भी जाती है ना तो फुल्ली हो जाती है सेफ, फुल सेफ वाली चीज़ें देखने मिलेगी आपको इसके अंदर। क्रैश गार्ड सेम इधर सेम मिलता है आपको इस तरफ, दोनों तरफ देख सकते हैं, लुक भी काफ़ी है देना ही सो जाती है इसे लगने के बाद। और उसके बाद दिखाऊंगा आपको देखने मिलेगा कुछ इसमें टैंक पैड, ये टैंक पैड इसके अंदर लगा देगा, जो गाड़ी का जो कलर है ब्लैक एंड ग्रे है उसी की मैचिंग का लगा देगा टैंक पैड, ये आपका मिलता है शार्प पावर ओरिजिनल, बाकी नॉर्मली लोकल भी आते हैं इसके अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ आती है, बट ये प्रीमियम क्वालिटी का लगा देगा, इसे लगाने से जब भी कोई भी राइडर बैठता है ना तो बैठने का बेल्ट वगैरह से यहाँ पर निशान आ जाता है, लैमशन तो वैसे में कर रखी है बट फिर भी लैमशन फटने का खतरा होता है बेल्ट से, वो भी आपको बच जाता है। और लैमशन चेक कर ही लो, ये देखिए ये लैमशन जो इसमें आपको देखने मिलेगी कुछ इस तरीके से, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी, सेम आपको इधर सेम इधर देख सकते हैं आप, ये देखो इसे कहते हैं लैमिनेशन, अल्टीमेट फिनिशिंग वाली मिलेगी आपको लैमिनेशन कुछ इस तरीके से, हर तरफ आपको देखने मिलेगी ट्रिपल लेयर वाली ओरिजिनल लैमिनेशन, ये देख सकते हैं आप। और साथ में आपको देखने मिलेगा इसके अंदर सीट कवर जो कि बना दिया गया है इसके कलर मैचिंग के अकॉर्डिंग, ब्लैक एंड ग्रे ये देख सकते हैं, और विद कुशनिंग है, ये मिलता है आपको विद कुशनिंग सीट कवर जो कि इसके अंदर लगा दिया गया है काफ़ी अल्टीमेट फिटिंग के साथ आपको। साथ में मिलता है आपको इसके अंदर लेडीज़ फुटरेस्ट, देख सकते हैं लेडीज़ फुटरेस्ट फिट कर दिया गया इसके अंदर, इसे भी आप देख लो काफ़ी जबरदस्त फिटिंग है, इसे जब भी कोई प्लेन राइडर बैठता है ना तो आराम से पैड टेक कर बैठ सकता है लेडीज़ फुटरेस्ट में जो कि इसके अंदर लगा दिया गया। और एक है इसके अंदर गियर शॉक्स, ये गियर शॉक्स भी इसमें लगा दिए गए हैं, जिन लोगों का शूज़ ख़राब होने का खतरा होता था इसे लगाने के बाद वो भी नहीं होने वाला है। एक मिलेगा आपको इधर साइड चेन एक्सटेंडर कुछ इस तरीके से, देख सकते हैं आप, इससे कहीं भी गाड़ी आप स्टेबल खड़ी कर सकते हो आपकी, क्योंकि बाइक में क्या होता है स्किड होने का खतरा होता है साइड चेन वगैरह लगाने से, कहीं पर भी मिट्टी हो रेत हो कुछ भी हो तो आपका गाड़ी गिरने वाली नहीं है, पूरी स्टेबल खड़ी हुई साइड चेन पर। और आपको दिखाता हूँ इसके अंदर देख सकते हैं ये इसका ब्रेक पैंडल एक्सटेंडर, ये भी इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया गया देख सकते हैं, इससे क्या होता है जो आपका ब्रेक होता है ना वो इसका छोटा सा होता है ब्रेक पैंडल, और इतना सा होता है इतना सा दिख रहा होगा आपको, बहुत ज़रा सा होता है, तो इसे लगाने से होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इजीली आपके ब्रेक लग जाते हैं, स्किट्स वगैरह नहीं होता है, वरना बारिश में आंधी में तूफान में समझ सकते हो ना क्या होता है पैर स्किट्स होने का खतरा ज़्यादा होता है इसके अंदर, तो अब सारा खतरा हो गया ख़त्म और बाइक की होगी मोडिफिकेशन कम्प्लीट। और अब मिलाता हूँ भैया से कि भैया को कैसा लगा हमारा काम और कहाँ से आए भैया। तो पहले तो हेलो सर, सॉरी मैंने अंदर वीडियो नहीं बना पाया आपने रश के कारण, बाकी बताइए कैसा लगा आपको वाला? नहीं, बहुत अच्छा लगा और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे आपकी सर्विस लगी, और सर्विस आपका जो है सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि एक तो क्वालिटी बहुत अच्छी है और दूसरी चीज़ आपका जो नेचर है व्यवहार है वो बहुत अच्छा है, जो कि आप खाने को कोल्ड ड्रिंक को पानी को हर चीज़ आपके पास अवेलेबल है, और ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इंसान आए खाली पेट और भर पेट खा के जाए, कोई इशू की बात नहीं है, और बाकी काम बहुत अच्छा लगा मेरे को और बाइक एकदम ज़बरदस्त हो गई है, और इन फ्यूचर भी जो है आगे अपने फ्रेंड्स को और सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि SKT जी के पास आएँ, और बहुत अच्छा और रेट भी बहुत अच्छा है इनका, प्राइस बहुत अच्छा है। और आप एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि ऑल इंडिया से कोई आना चाहे जी तो क्या रिकमेंडेशन रही होगी, क्योंकि हर बंदा बताएगा दूर से आने वाला यार वहाँ जाऊँ कहीं वहाँ पे सर्विस या किसी भी चीज़ को लेकर एक शॉप आपने एक्सपीरियंस ले लिया है जी, तो उस एक्सपीरियंस आप क्या कहेंगे कि कोई आना चाहे ना आना चाहे? नहीं नहीं आना चाहे, और मैं तो स्पेशली ये कहूँगा कि SKD के ही पास आना चाहे, यहाँ पे करोल बाग के अंदर जो है राजू भाई SKD, हाँ यहाँ करोल बाग के अंदर क्या बहुत सारे लोग पहले ही रोक लेते हैं, हाँ ये SKD गई है, हाँ ये SKD गई है, लेकिन उनसे बचें, जो ओरिजिनल SKD है राजू भाई उन्हीं के पास आएँ, मेरा सजेशन ये रहेगा, और बहुत अच्छा काम मिलेगा, सर्विस बहुत अच्छी मिलेगी आपको। तो रिव्यू आपने देख लिया सर, थैंक यू सर।
आपका रिव्यू देने के लिए और काम कराने के लिए। तो आपको पता लग चुका होगा यहाँ पर आना कैसे, वो बताया था। देखिए सामने यहीं से दिखेगी आपको हनुमान जी की मूर्ति। बस सिर्फ एक ये चीज़ देख लें, हनुमान जी की मूर्ति मिलेगी आपको इधर जो कि हमारे शॉप के जस्ट पर, दूसरी मिलेगी हमारी शॉप पर। ये हमारा सिंपल सा लोकेशन है जहाँ पर हनुमान जी की फ़ोटो लगी होगी। मेरी एक शॉप हो, दो शॉप हो, तीन शॉप हो, चार शॉप हो, जितनी भी शॉप हो, आपको ये चीज़ देखने को जरूर मिल जाएगी आपके अपने राजभाई एसकेडी की शॉप पर, जो कि मिलता है आपको सिर्फ हनुमान जी की मूर्ति। इसका ध्यान दे लो तो आप कहीं भटकोगे ही नहीं, गलत तो नहीं कह रहा सर? ये सबसे अच्छी पहचान है, तो ये सबसे अच्छी बना आपको आना है। यहाँ पर मेन रोड पर है शॉप है अपनी, 100 मीटर का डिस्टेंस है हनुमान जी की मूर्ति से हमारा, जो कि मैंने बताई दिया आपको। जब भी आप आगे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर भी शो रहा है, आपको कुछ नहीं करना, लोकेशन मंगाना तो वहाँ से लोकेशन मंगा सकते हो, सीधा लोकेशन आपको भेज दी जाएगी व्हाट्सअप पर, या कॉल कर सकते हो। आप जब भी आना चाहो, जब भी जहाँ से भी आना चाहो, और टाइमिंग का कोई इशू नहीं हमारे पास, टाइमिंग अपनी होती है सुबह 10 to 8 की। बट फिर भी कोई बंदा बाहर से आना चाहे तो उसको कुछ नहीं करना, एक दिन पहले कॉल कर दे, अर्ली मॉर्निंग जितने बजे कहेंगे उतने बजे हमारी शॉप ओपन हो जाती है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। वीडियो चलो, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर, राजू भाई एसकेडी को मिलते हैं फिर से नेक्स्ट में, जब तक जय श्री राम, गुड बाय।